अब यार गेम बैन का सदमा सबको ही लगा है, लेकिन अनबैन की खुशी वो तो अलग ही है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो फंसा था ना, वो था मैं। बिकॉज गाइस यहाँ पे भाई साहब मैं खेल रहा था ये खतरनाक गेम जिसमें कि भर भर के अमीर बंदे आए होते हैं और मेरी गेम काफ़ी सही जा रही होती है, और बंदूकबाज का नाम देख कर तो भैया सब पीछे ही पड़े होते हैं कसम से। मतलब कुल मिलाकर गेम बहुत अच्छी जा रही होती है, और एंड में जो हुआ ना, मतलब इसी मैच में जो है सर्वर डाउन चले आते हैं, और उस टाइम दिमाग खराब हुआ मेरा उसका, तो क्या ही कहना। मतलब चलती गेम में अच्छी खासी गेम चल रही है और सर्वर चले गए भाई। गाइस जो भी गाइस यहां पे देखो उसे आपको देखने को मिलेगा इस गेम में, लेकिन उससे पहले ये देखो भाई साहब कि हमारी लैंडिंग हो रही है यासनाया में। एंड फिलहाल तो यहाँ पे देखो भाई साहब फुल स्टार्टिंग में स्किनें चमकाई जा रही हैं, मतलब एक्सूट सब आ रखे हो इस लॉबी में। फिलहाल जो भी गाइस यहाँ पे देखो भाई साहब मैं जस्ट इस तरफ आया, अब ये बंदा पता नहीं यहाँ ओपन में क्या कर रहा था। पहले तो लगा ऐसे बॉट है, लेकिन ना भाई साहब ये था एक रियल प्लेयर। खैर जो भी गाइस यहाँ पे देखो इस तरफ के बंदे तो हमने निपटा दिए, अब बारी थी आगे बढ़ने की। और इतने में भाई ये एक प्यारा नॉक, हाँ भाई जिसे हमने पहले नॉक दिया था भाई साहब वो तो बच के भाग गया, लेकिन जो चाहे रिवाइव देने आया था वो बेचारा यहाँ पे पिल गया। वेल जुबी गाइस तुम मरो पहले। तो फिलहाल जुबी गाइस यहाँ पे तुम देखो भाई साहब, अब उस बंदे को खोजने के लिए यहाँ पे देखो मैं निकला, लेकिन वो बंदा कहाँ गया ये तो नहीं पता। लेकिन उसी बीच देखो यहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई एक पूरी स्क्वाड से। फिलहाल देखो यार एक बंदा सामने इस वाले कंपाउंड में है तो सही, लेकिन ये बॉट भाई कसम से यार दिमाग खराब कर देते हैं। वेल जो भी है और देखो भाई साहब इजी पीजी ये वाले भाई साहब को भी भर दिया, लेकिन एक फुटस्टेप फिर से आ रहा है मेरे को बगल वाली बिल्डिंग से। लेकिन भाई इस बंदे ने तो क्या ही सरप्राइज दे दिया, बढ़ चुके यहाँ पे देखो इसे तो भर दिया, लेकिन जो एक बंदा बगल बिल्डिंग में था भैया हम देखो अब खोजने चले आए उससे, लेकिन ना भाई मतलब अब ये बंदा मिलने नहीं वाला, बिल्कुल गायब सा हो गया। अब फिलहाल यार इसकी खोज में भी हम निकले थे लेकिन ये तो नहीं मिला, तो भाई साहब जहाँ से फायरिंग साउंड आ रहे हम चल पड़े वहाँ की तरफ, क्योंकि एट द एंड किल तो देखो चाहिए ही ना। हेलो भाई साहब आते ही किल फाड़ी की शुरुआत हमने कर दी है। फिलहाल जो भी कहीं यहाँ पे देखो भाई साहब अभी मुझे आइडिया बिल्कुल है नहीं कि बंदे कहाँ है कहाँ नहीं। भाई कसम से तुम देख रहे हो मतलब क्या ही बैठे पड़े थे। फिलहाल जैसे यहाँ पे नॉक हुआ भैया मेरे को बगल वाले ब्लू हाउस से फिर से एक फुटस्टेप ना गए। अब फिलहाल जो भी है यहाँ पे मतलब बंदे कितने साइलेंटली बैठे रहते हैं, बट जो भी था गाइस यहाँ पे जैसे तैसे सही, लेकिन वही तो भैया आ गए हमें रिवाइव देने के लिए, और रिवाइव होते ही भाई ये वाली स्क्वाड को भी भर दिया। फिलहाल जो भी गाइस यहाँ पे तुम देख रहे हो ना मतलब बंदे कितने साइलेंटली बैठ जाते हैं, एकदम से हिलते डुलते है ही नहीं। खैर जो भी गाइस यहाँ पे देखो इस तरफ के बंदे तो निपटा दिए, बट उसी दौरान देखो भाई साहब यहाँ पे अब बिल्कुल शांति छा गई है। Watch out. लेकिन मैं तुम्हें बता रहा था ना मतलब कैंपर की कमी है नहीं यहाँ पे, जहाँ मर्जी दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बंदा कर दिया मेरे टीममेट ने नॉक। और भाई साहब आज मेरे को पता नहीं क्या जोश चढ़ गया भैया AKM प्लस 6x चलाने का। फिर जब देखा यहाँ पे देखो एक को तो कंफर्म कर दिया, बट एक और है अभी।
और लो भाई साहब, यहाँ पे ये वाले को भी इजी पीजी भर दिया और लगा शायद से अब कोचिंग की खत्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। और लो भाई साहब, फाइनली झपक झपक करते हुए यहाँ पे इनकी भी पेटी बना दी। लेकिन भाई यार अब वो नज़ारा आने वाला है पोचिंग की में, मतलब कि एक स्क्वाड हमें नाम देखकर करना या अटैक करने वाली है। अब फिलहाल अब तक तो देखो कोई बना है नहीं, बंदे यहाँ पे हैं या फिर नहीं, लेकिन अगले ही पल भाई, पहले तो सिर्फ लगा ऐसे एक ही बंदा है, लेकिन धीरे धीरे देखो तुम पूरी स्क्वाड निकलने वाली है यहाँ पे। अब कुछ तुम्हें लग रहा होगा मैं यहाँ पे बचाऊँ, ना भाई साहब, यहाँ पे मुझे बचाया गया बीच भाई के द्वारा, मतलब जो बम गिर रहे थे ना, और अभी किलपीट चली भाई साहब, ये बंदा जो है बमबारी से नॉक हो चुका है, इस चक्कर में यहाँ पे स्प्रे इसका रुका और मैं बच गया। बट जो भी तक फिलहाल यहाँ पे मौका मिला है तो भैया उसका फायदा उठाना पड़ेगा। और देखो यहाँ मैं रुका नहीं उस जगह पे, हल्का सा रोटेशन लिया एंड अब तुम बस प्लानिंग प्लॉटिंग देखो मेरी। यार ये ग्रेनेड तो मतलब क्या ही बताऊँ यार, बिल्कुल खराब चला गया। लेकिन भैया इसके चलते यहाँ पे मुझे लगा शायद से मैं ट्रैप हो सकता हूँ, तो मैंने जल्दी से तुरंत ही अपनी पोजीशन बदली। और वॉच आउट, भाई बंदा नॉक। और गाइस अब मुझे लग रहा था शायद से अब हम इन पर जो है हावी हो सकते हैं, लेकिन रुक जाओ, हल्का सा सफर करो। Watch out! Watch out! भाई गलत ही सीन, मतलब यार क्या बचा है वो बंदा, और जो भी आई थिंक स्मॉल से तो मरना चाहिए, लेकिन नहीं मर रहा है भाई, क्या चल रहा है, मतलब यार गलत ही सीन। अब तो लगा यहाँ पे भैया बीजी भाई भी नहीं चाहते कि हम जो है यहाँ पे सरवाइव कर पाए, तो लगा एक पल को खत्म सब कुछ, बिकॉज ये बंदे पूरा घूम चुके थे। और तो और जिसे नॉक दिया था ना भाई, वो भी रिवाइव हो गया। भाई साहब ये क्या था, मतलब यार यहाँ एकदम से बाहर कैसे पहुंच गया, क्या ही कह रहे, लगता है यही वो मोमेंट है जहां पे कि उनने जो है सर्वर के बटन बंद करने शुरू कर दिए थे। फिलहाल जो भी था यहाँ पे भाई साहब, अच्छा ठीक है तुम मार लो भाई साहब, चमका लो पेन की स्किन। फिलहाल यहाँ पे देखो भैया पेन की स्किन चमकाई खतरनाक ही, मतलब यार भाई साहब फिटिंग क्या प्यारी है। लेकिन जो तक इस बारी अभी यहाँ से निकल लेगी, बिकॉज यहाँ पे अभी बचा नहीं है, तो हम चल पड़े फाइनली यहाँ से जोन की तरफ। और भाई ये बेचारा तो गाड़ी में गेट इन कर ही नहीं पाया। वेल चुपके यहाँ पे देखो अब तक सब कुछ सही चल रहा था, बंदे भी ज्यादा थे नहीं, लग रहा था चिकन तो इजी पीजी हो ही जाएगा, लेकिन अब सब बदलने वाला है, बिकॉज तुम यहाँ पर देखते जाओ अब वही नज़ारा आने वाला है जहाँ पे कि हमारे सर्वर उड़ जाएंगे। फिलहाल तो भाई साहब ये AKM प्लस 6X अगर नहीं होता है, M4 होती इसकी जगह, तो पक्का बंदा नॉक था। बट जो भी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फिलहाल तो मैं आया यहाँ पे आगे रश करने के लिए। और देखो भाई साहब मॉली यहाँ से छूट रही है, पिंग हाई हो गए, और गाइस अब सब कुछ बदलने वाला है, मतलब मैं कुछ अगर कर रहा हूँ किसी पे क्लिक कर रहा हूँ हो ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा ऐसे पिंग ही तो हाई है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्या पता सही हो जाए, बट ना भाई साहब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ अब तो। और उसी बीच तुम यहाँ देखो मेरे पिंग हाई है, सब कुछ हाई है, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे टीममेट बंदे नॉक कर रहा है, खत्म कर रहा है, कुछ बोल रहा है तो वो मेरे को सुनाई भी दे रहा है, बस पिंग ही नहीं आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है गेम को। लेकिन जो भी तक फाइनली मेरे पर रहा, वेल जो भी तक यहाँ पे फाइनली मेरे पे रहा नहीं गया, मैं करने गया गेम रीस्टार्ट, और जब वापस आया ना भाई तो मेरी हेल्थ जा चुकी थी, मतलब मेरे को यहाँ पे बचाया गया था। फिलहाल जो भी यहाँ पे लगा शायद से कोई दिक्कत नहीं, अब सबको शॉट हो चुका है, लेकिन तुम देखो भाई साहब क्या नशे इस गेम के, पिंग बिल्कुल सही चल रहे हैं, 20 के पिंग चल रहे हैं, ये मैंने ड्रिंक पी और
उड़ गए फिर से सर्वर, मतलब यार अभी कोई तो खत्म एमपी हो या फिर जो भी मतलब आया खत्म हो ये उसको गाली गेम देके थी। मतलब और एमपी उसके खत्म कर बाद तुम देखो भैया, जब मैं वापस रिस्टार्ट करके आया भाई, अब रिस्टार्ट हो ही नहीं रही थी भाई, मतलब लोडिंग लिए जा रही है, लिए जा रही है। और इसी के साथ गाइस इस गेम में क्या हुआ, ये राजवी भाई साहब इस गेम के साथ चला गया। वेल जो भी था गाइस यहाँ पे बस गेम में इतना ही था। कैसा लगा तो मेरे गेम पे जरूर बताना, और क्या तुम्हारे साथ भी मतलब ऐसा हुआ था गेम खेलते खेलते सर्वर उड़ गए थे तो बताना जरूर कमेंट करके। बाकी मैं चलता हूँ, मैं लोकल फिर तक लव स्टेम सेव एंगेज कीप सपोर्ट।